हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी गैंग पर। स्टूडेंट, कल हमने पढ़ा था वेक्टर का यानी कि सदिश का जो एनालिटिकल होता है ऑपरेशन, यानी कि जो योग का जो मतलब विश्लेषण करना था, जिस तरह से योग का नियम एक सूत्र का निगमन किया था, उसी तरह से आज हम घटाना देखेंगे। क्या घटाना यानी व्यवकलन सदिश में संभव है या नहीं है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सदिशों का व्यवकलन। ठीक है, कल हमारा जो सूत्र आया था, कल हम जो सूत्र डिराइव किए थे यानी निगमन किए थे सूत्र का, वो सूत्र हमारा कुछ ये था, जैसा कि आपको याद होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये सूत्र हमने डिराइव किया था किसके लिए, कि एक वेक्टर ये था और एक वेक्टर ये था, इसका नाम वेक्टर ए कहा था हमने, इसका नाम वेक्टर बी कहा था। ठीक है, कुछ इसी तरह था और इसके बीच में कोण थीटा था, तो हम इसको जोड़ते थे, जोड़ने का ये फॉर्मूला आया करता था। ठीक है, अगर ये जोड़ने का फॉर्मूला आया था, अगर हमसे कहा जाए कि सदिश में व्यवकलन कीजिए यानी घटाइए सदिश में, तो हम जब पूछते क्या सदिश में घटाना या अंतर पॉसिबल है, तो नियम तो कहता है कि सदिश में घटाना होता ही नहीं है, सदिश में घटाना पॉसिबल ही नहीं है। तो यार, जो पॉसिबल नहीं है, क्या जो नियम के विरुद्ध होता है, क्या हम नहीं करते हैं? स्कूल बंक करना नियम के विरुद्ध होता है, हम करते हैं, और भी चीज़ें करना नियम के विरुद्ध होता है, लेकिन हम करते हैं ना। तो यहाँ पे भी हम विरुद्ध भले ही है नियम के, लेकिन हम करेंगे ना। क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, अब बताते हैं। जैसे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। समझ में आ रहा होगा आपको, ये प्लस लगा के माइनस इस तरह से कर दिए। जब इस तरह से हम लिख सकते हैं, तो अब हम इसके बीच में वेक्टर ए और वेक्टर माइनस वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी को हम जोड़ेंगे। ठीक है, जब हम जोड़ते हैं, जैसे देखिए वेक्टर बी की दिशा इस तरह से है। मैंने बताया था आपको, अगर याद हो पिछली वीडियो में, कि अगर ऋणात्मक वेक्टर वो होता है, यानी कि प्रतिसमांतर वेक्टर वो प्रतिसमांतर वेक्टर, सॉरी वो दूसरा है, ऋणात्मक वेक्टर मैं बता देता हूँ, अगर नहीं बताया था मैंने, तो ऋणात्मक वेक्टर वो होता है यानी ऋणात्मक सदिश जिसकी दिशा विपरीत होती है। ठीक है, तो इसकी दिशा इधर है बी की, अगर माइनस हम बी लेंगे तो इसकी दिशा किधर हो जाएगी, इधर साइड हो जाएगी, अगर दिख रहा हो इधर, अगर नहीं दिख रहा है तो इधर देखिए। जैसे ये वेक्टर ए था एक, और एक वेक्टर बी था। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन इधर है, तो अगर हम माइनस वेक्टर बी लेंगे तो इसकी दिशा इधर को हो जाएगी। ठीक है, तो अब जो परिणामी इधर आने वाला था, वो परिणामी इधर आएगा। ठीक है, ये परिणामी इधर आएगा, तो अब ये माइनस बी हो गया। अब इसको हम जैसे कोण, इसमें हमारा बीच में क्या होता था, कोण थीटा लिया करते थे, तो अब ये कोण लेंगे, ये कोण क्या होगा, ये कोण क्या होगा भाई, पूरा ये कोण क्या होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, सभी को मालूम होता है, एक सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो भाई ये थीटा है, तो क्या इसको हम 180 माइनस थीटा नहीं बोल सकते इस कोण को, देखिए ऐसे ये थीटा है, तो ये 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो हमारा 180 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा इतना, ये 180 माइनस थीटा लेंगे। अब हम इसको इस फॉर्मूले में रखते हैं। ठीक है, ए और माइनस बी को हम इस फॉर्मूले में रखते हैं, जैसे यहाँ पे रखेंगे ए और बी, ए और माइनस बी के बीच में हमको ऐसे निकालना है, ये ऐसे, ये माइनस बी है और ये ए है। ठीक है, और इसके बीच का कोण 180 डिग्री माइनस थीटा है। तो हमसे माइनस से मतलब नहीं है, सिर्फ कोण से मतलब होता है सदिश में। ठीक है, माइनस वाइनस से मतलब नहीं होता, सिर्फ हमको परिमाण से मतलब होता है। ठीक, तो अब यहाँ परिमाण हम रखते हैं, तो आर रिजल्टेंट बराबर अंडर रूट लगा लेते हैं, ए का स्क्वायर वही रहेगा, बी का स्क्वायर वही रहेगा, प्लस टू ए बी भी वही रहेगा। अब यहाँ कॉस थीटा की जगह हम क्या करेंगे, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में आता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे अगर आप देखेंगे तो ये पहले चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा और चौथा। ठीक है, पहले में 360 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा ये आता है, दूसरे में 180 माइनस 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, और ए एस टी सी इस तरह से करके हमने कुछ क्लास 9 में पढ़ा था। और यहाँ जो होता है कॉस माइनस में होता है, यहाँ सिर्फ साइन प्लस में होता है, साइन और कॉसिक बाकी सब माइनस में होते हैं, तो कॉस है यहाँ पे माइनस होगा। तो इसलिए अब यहाँ जब हम लिखेंगे दोबारा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। क्यों माइनस लगाएंगे, क्योंकि कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है, इसलिए इसको माइनस कॉस थीटा लिखेंगे, तो ये आएगा। अब इसको जब हम, ये हमारा हो गया, क्या हो गया, यही हमारा माइनस का हो गया। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे, ये वाला सूत्र हमारा जो हो गया माइनस का हो गया।
ठीक है, आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसी की बेसिस पे जो हमने नियम पढ़े योग के और व्यवकलन के यानी कि अंतर के, अब इसी बेसिस पे कुछ आंकिक प्रश्न करते हैं ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्लियरिटी आए। ठीक है, ठीक है, ये था प्रश्न एक। प्रश्न एक है, सदिश ए एक्स अक्ष की धन दिशा से 30 डिग्री का तथा सदिश बी 60 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि एक सदिश ए है जो एक्स अक्ष की धन दिशा से 30 डिग्री 30 अंश और सदिश बी जो है 60 अंश का कोण बनाता है। यदि ए एवं बी के परिमाण क्रमशः 5 एवं 4 इकाई हो तो ए एवं बी का परिणामी ज्ञात कीजिए। यानी ए का जो परिमाण है 4 और बी का 5 सॉरी 5 और बी का जो परिमाण है वो 4 इकाई हो तो परिणामी ज्ञात कीजिए। तो पहले सबसे पहले पहला काम क्या करेंगे हम, कोई भी सवाल हो चाहे जितना ही छोटा हो हम उसको रिस्पेक्ट उतना ही देंगे जितना हम एक हार्ड सवाल को देते हैं। क्योंकि अगर हम उतना रिस्पेक्ट नहीं देंगे थोड़ी सी भी अगर हमारी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सेम यहाँ पे फिजिक्स में होता है, आपको लगेगा भाई बहुत इजी सवाल है इसको मैं फोड़ दूंगा और क्या होगा एंड टाइम पे आप गलत करके चले आएंगे, चाहे वो माइनस का ही मिस्टेक क्यों ना हो, अगर आप ध्यान से नहीं करेंगे सावधानी से नहीं करेंगे तो दुर्घटना घट जाएगी। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले एक अच्छा सा चित्र बनाते हैं। ठीक है, पहला काम सुंदर चित्र बनाना है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लेते हैं, सवाल क्या कहता है यहाँ पे हल लिखते हैं हम। ठीक है, तो ये एक्स अक्ष है आपको दिख रहा होगा, इसको एक्स अक्ष कह देते हैं, इसको वाई अक्ष कह देते हैं। ठीक है, तो एक्स अक्ष की धन दिशा से 30 डिग्री धन दिशा में सॉरी वो लिख गया क्वेश्चन वैसा, तो 30 डिग्री यहाँ पे ये वेक्टर ए है इसको, ठीक है ये 30 डिग्री कोण बनाता है और वेक्टर बी 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से ये 60 डिग्री का कोण बनाएगा, ये जो है 60 डिग्री। ठीक है, तो वेक्टर ए एवं वेक्टर बी का परिणामी ज्ञात कीजिए। तो अब हमको ये तो पता है कि वेक्टर ए बराबर 5 है, वेक्टर बी बराबर कितना है 4 है। ठीक है, लेकिन हमको थीटा मालूम करना है, तभी हम उस फार्मूले में जो परिणामी वाला फार्मूला निकालें आई इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए कॉस थीटा। तो अब थीटा कैसे निकले, देखिए यहाँ पे ये पूरा 60 है, ठीक है ये वाले के साथ पूरा ऐसे 60 है और ये कितना 30 है। अगर हम ये वाला एंगल चाहिए हमको सिर्फ इन दोनों के बीच का, तो ये वाले एंगल में से ये वाला घटा देंगे तो ये वाला हमारा आ जाएगा क्या आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये एंगल ये दोनों के बीच का 30 डिग्री आ जाएगा, तो थीटा भी हमको मिल गया भाई, थीटा भी मिल गया। अब हमको निकालना क्या है, आर निकालना है। ठीक है, आर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये फार्मूला आप फार्मूले में पुट करते हैं वैल्यू, तो इसका 25 और 16, ठीक है 25 प्लस 16 प्लस 4 पंचे 20 दूनी 40। ठीक है, कॉस 30 का मान क्या होता है जो साइन 60 का होता है, यानी कि रूट 3 बाई 2। भाई वैल्यू आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है जो वैल्यू है आप लोग याद कर लीजिए, तो 2 ये कट के 20 हो गया, 20 रूट 3 इधर क्या हो गया 6 5 11 और 2 1 3 एक 4 41 प्लस 20 रूट 3 अंडर रूट। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, ये परिणामी आंसर हमारा आ गया 41 प्लस 20 रूट 3। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो रूट 3 की वैल्यू 1.732 रख देंगे और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगी। इतना भी लिख के अगर आप एग्जाम में छोड़ देते हैं तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा।